नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ। हम इतने लोग हैं, इतनी यहाँ की जनता कहाँ जाएगी? 50,000 लोग हैं इस ठंड टाइम में, हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम बेटियां हैं, हम गरीब लोग हैं, अगर हमारे सरों से छतें छीन गई तो हम कहाँ रहेंगे? हमारे स्कूल नहीं बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो काय के लिए नारा लगा जाता? हमारी पढ़ाई बर्बाद हो रही है, हमारा मत इतनी मेहनत से घर बना है और ये घर तोड़ने की बात करते हैं, हमारा क्या होगा? मतलब मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी बच्ची माँ आज ना आना चाहिए, जरा हमारे तरफ से कुछ विनती करो, हम बहुत परेशान हैं, लोगों की सुनते सुनते दिल दुखी है हमारा। ये उत्तराखंड का हल्द्वानी है, यहाँ पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इनके घरों को खाली ना कराया जाए। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि इनके घरों को खाली कराया जाए, ये ज़मीन रेलवे की है। ऐसे में इन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अगर इनकी ज़मीनों को खाली करा दिया जाएगा, इनके घरों को खाली करा दिया जाएगा, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। इन सब की आवाज़ों को एक बार आप फिर सुनिए कि इन लोगों की मांगें क्या हैं। तो कहाँ जाएगी? 50,000 लोग हैं इस ठंड टाइम में, हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं, हमारे बुजुर्ग रह चुके हैं यहाँ, अब हम कहाँ जाएंगे? हमें कैसे निकाल रहे हैं यार, यहाँ से जा रहा है। मेरी बच्ची माँ आज ना आना चाहिए, जरा हमारे तरफ से कुछ विनती करो, हम बहुत परेशान हैं, लोगों की सुनते सुनते दिल दुखी है हमारा। सर हमारे लिए कुछ मदद करो, मैंने मेयर साहब से भी कहा था सर्वे करवा दो, नहीं सर्वे हुआ तो मुझे नहीं पता ये हालत है। आप सोच लीजिए हम कहाँ जाएंगे, ये बच्चियाँ कहाँ जाएंगी? जवान बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिला गर्भवती हैं, किस जगह जाएंगे? आप सोच लीजिए, बस फैसला होना चाहिए, जो उनका बस है वो ले सकते हैं, हमारा हमें दे सकते हैं। हम बहुत दुखी हैं, हमारी बस्ती को बचा लो सर, हमारी बस्ती को बचा लो, यही विनती है। पानी नहीं रहेंगे तो ट्रेन की पटरी पे कौन रहेगा? कौन रहेगा ट्रेन की पटरी पे? हमारे मदरसे का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा? लड़की बचाओ लड़की बढ़ाओ का पारा हर कोई नारा हर कोई लगाता है, कैसे बचेगी लड़की, कैसे बचेगी जब घर ही तोड़ दे रहे हैं? माँ बाप को मतलब इतनी तकलीफ होगी, मतलब एक लड़की की शादी करने में कितनी तकलीफ होती है, कितना होता है, और ये लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ का नारा हर कोई लगाता है, अब हमारे हम ही को उजाड़ दे रहे हैं, क्या मिलेगा हमें उजाड़ के, क्या मिलेगा? तो ये आप भाजी उत्तराखंड के हल्द्वानी की उन महिलाओं के सुन रहे थे जो इस वक्त प्रदर्शन करने, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इस कड़ाके की ठंड में ये लोग सड़कों पर हैं और ये लोग सिर्फ एक ही गुहार कर रहे हैं प्रशासन से कि उनके घरों को ना उजाड़ा जाए, अगर उनके घरों को उजाड़ दिया जाएगा तो वो लोग कहाँ रहेंगे? ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मानवता समाज से गायब हो गई?